मैं ललित सिंह आप सभी किसान भाइयों के लिए एक बार फिर से बिहार में और बिहार के सबसे उत्तरीय क्षेत्र जो बिहार का सबसे लास्ट सीमा होता है वहाँ से एक अच्छे उन्नत पशुपालक से मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने यहाँ जिस ब्रीड को लोग जानता तक नहीं है, जो अपने देश का है, अपना स्वदेशी है, HF या जर्सी को छोड़ के जिस जो हमारा धरोहर है उस ब्रीड को उस जनरेशन को डेवलप कर रहे हैं बिहार में, जो कि अमूमन यहाँ इस चीज़ को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आइए मिलवाते हैं भैया से और इनका नाम पूछते हैं और इनका एड्रेस पूछते हैं। भैया आपका नाम क्या है? अच्छा भैया, तो फिर ये आप ये बछिया जो है अपने यहाँ का है या कहीं से मंगवाए हैं? मैं अपने यहाँ का। अपने यहाँ का है। तो भैया अपने यहाँ तो इस अमूमन ये गाय नहीं मिलने को अभी दिख रहा है, तो फिर इसका कैसे, क्या आपने सीमेन इसका मंगवाया है या कैसे, क्या हुआ है? ABS का सीमेन यूज करता है। अच्छा, ABS का है। तो ये फर्स्ट मतलब ABS का फिर ये आता है। इधर परेशान करती है, यहाँ आ जाइए। तो ये मेल है, इसको रखना है अपने फॉर्म पे। जी हाँ। तो ये मतलब जर्सी पे या साहिवाल या देसी पे क्रॉस करवा के ये बच्चा लिए हैं आप? हाँ। जर्सी पे है, देसी देसी पे। इसकी मदर का क्या दूध है? एक वन टाइम कितना दूध देती है, क्या प्रोडक्शन है इसकी माँ वन का? टाइम 4 लीटर। 4 लीटर। बच्चा तो प्रीपेयर रूप से जो इसका नस्ल का जो पहचान होता है, जो इनके ललाट हो या कान हो, जो इस नस्ल के जानने के लिए जो इनका अपना पहचान होता है, हर एक चीज़ इनमें परिपूर्ण दिखता है। तो भैया ये आप कब से कर रहे हैं फार्मिंग का काम? फार्मिंग का काम तो लगभग हम 2004 से कर रहे हैं। तो अभी आपको स्पेशल इसी ब्रीड को डेवलप करना है जी और दूसरा ब्रीड नहीं रखना है, नहीं। तो आगे जा कर के दिखलाते हैं भैया। आप अपने पास और फॉर्म में कौन कौन सा गाय है, इस किसका बच्चा है ये, उसकी मदर क्या है, थोड़ा ये आप बताते जरा। इसकी मदर ये है। अच्छा, इसकी मदर ये है। ये हमारे बिहार के पूर्णतः जो देसी गाय हैं, जो हमारे धरोहर हैं, बस वही है और इनका ही वो बच्चा है। इनके पास और HF भी है और जो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ के पशुपालक जो ये कॉमेट नहीं जानते हैं या नहीं लगाते हैं, भाई साहब के फॉर्म में ये भी देखने को मिला कि इनके पास हर एक गाय के लिए अच्छा रहने का प्रबंध है, जो अमूमन बहुत सारे डायरी वाले के पास नहीं रहता है। और भाई साहब शौक से डॉग भी रखे हैं, ये लेब्रा है। और हम आज के टाइम में वफादार नौकर नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुदरत का जो वफादार चीज़ है वो तो रख सकते हैं। तो आप सभी, तो ये डॉग का भी बहुत तगड़ा शौक रखते हैं और इनको अपने डायरी फॉर्म का एक हिस्सा बना के रखे हैं। तो भैया ये कौन सा ब्रीड है? ब्लैक जर्मन। ब्लैक जर्मन है। और ये काफ़ी खतरनाक धारदार प्रभावशाली डॉग के प्रजाति का है, इनसे लड़ना अपने जान को गंवाना साबित होता है। और पीछे लेब्रा, वो शांत स्वभाव का तो दिखता है लेकिन वो शांत होता नहीं है, वो आदमी को 2 मिनट में धराशायी करने में माहिर है। और आगे उस घर में भी है, हमको तो डर लगता है वहाँ तक जाने में। वो बहुत सारा ब्रीड रखे हुए हैं डॉग का भी, और इनके पास सबको बाई शौक ये रहा, दो यहाँ भी है। तो ये उन्नत और अच्छे पशुपालक हैं, साथ साथ इनको जो शौक हैं डॉग से वो भी दिखने को मिला, जो अमूमन यहाँ एक गांव से नहीं मिल पाता और ना लोग रख पाते हैं।